उठ जाओ मोहतरमा, दोपहर के 12 बज रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपने मुझे जगा दिया। कल तो तुम्हें जहीन ने नाश्ता करवा दिया था, मगर आज वो सुबह सुबह दफ्तर जा चुका है, इसलिए। अरे हम तो समझ रहे थे कि तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, तुम भूखी हो, इसलिए तो अम्मा ने कहा कि जाओ जाके सारा बेगम के कमरे में जाओ, उसे उठा लो, वो भी नाश्ता कर ले। मगर यहाँ तो कुछ और ही हालात नजर आ रहे हैं मुझे। लगता है जहीन ने तुम्हारी कल काफी खातिर तवाजा की है, और क्यों ना करे भाई, इतने बड़े बाप की बेटी जो बनता भी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो जब तुम्हें भूख लगेगी क्या उसी वक्त कमरे से बाहर आओगी? कम से कम हमारा हाथ ही बटा दिया करो किचन में आके। आप जो काम कहेंगी वो मैं कर दूंगी। चलो अच्छी बात है। वैसे इस बार कितने दिनों के लिए आई हो यहाँ पे रुकने? खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी चाहे रहो, लेकिन जब तक यहाँ हो ना अपने कमरे की सफाई खुद कर लिया करना। खाना तो तुम्हें बनाना आता नहीं होगा, इसलिए कम से कम किचन से खाना यहाँ ला तो सकती हूँ ना अपने लिए। और बर्तन धोने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए सुबह शाम के बर्तन और अपने और जहीन के कपड़े भी आज से तुम ही धोया करोगी। जहीन की नौकरी तो वैसे ही चली गई है, शायद तुम्हें पता हो ये बात, और उसके हालात तो बिल्कुल गवारा नहीं करते कि तुम्हारे लिए मुलाजमा रख दे। और मैं भाई, मैं तो अब तुम्हारे कोई काम नहीं करने वाली, इसलिए समझ गई ना? जी समझ गई। शाबाश। अम्मा ये देखें जरा, ये देखें, कहने को तो आपका बेटा ना बेरोजगार है, लेकिन अपनी बीवी के नाज नखरे बिल्कुल पहले की तरह उठा रहा है। ये क्या है? बर्गर का खाली थैला, आपकी छोटी बहू ने खाया था रात में, वो भी अकेले के लिए हमेशा की तरह। आने दो सही, अब मैं साफ साफ बात करती, ये चोचलेबाजी ना इस घर में नहीं चलेगी। गजब खुदा का, पहले ही नौकरी नहीं है और अब ये जमा पूंजी भी इस पे खर्च हो जाएगी। या अल्लाह, ये महारानी हम लोगों के ही नसीब में लिखी थी। अम्मा जहीन अपनी बीवी के नखरे उठाते तो मुझे कोई भी मसला नहीं है, लेकिन नौकरी हो तब ना, नौकरी ना होने की सूरत में तो ये तो हमारे साथ सरा सर ज्यादती है। अम्मा उसके बर्गर और पिज्जा का बोझ हम सब पे पड़ता है। अम्मा मेरा दिल बहुत जलता है कसम से। बस बस अब ज्यादा ना रोने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा अब इस घर में होने नहीं दूंगी। 2 रुपए की भी कोई चीज उस लड़की के लिए इस घर में नहीं आएगी। जो घर में पकता है ना वो चुप करके खाए, वरना भूखी रहे हमारी बला से। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.